इंडियन आर्मी और पुलिस लगातार जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में घाटी को नशा मुक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा पुंछ के गवर्नमेंट हाई स्कूल खारी करमारा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इलाके के लोगों में जागरूकता फैलाते हुए उन्हें नशे से दूर रखना था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन नशा विरोधी अभियान के तहत किया, जिसमें छात्रों सहित स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, पुलिस की तरफ से हुआ था कि नशा नहीं करना है, अपने आप को बचाना है। मैं एक स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ सभी की तरफ कि नशे से बचो और नशा मत करो। पुलिस की इस अनूठी पहल के लिए स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने उनको धन्यवाद दिया। आज यहाँ पे महकमा पुलिस की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मकसद था कि लोगों में ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उन तक घर घर ड्रग्स के खिलाफ जो अवेयरनेस वो पहुँचाना था। इसमें तमाम यहाँ के जो पंचायत से उनके सरपंच पांच साहिबान ने हिस्सा लिया, इसके अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया और इसका बहुत बड़ा इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त इलाके में जो है मंशियात का कारोबार अरूज पे है, हर तरफ इसकी स्मगलिंग हो रही है, नौजवानों को इसमें मुबतला किया जा रहा है, तो ये बड़ा अहम काम हुआ है। इससे मुझे यकीन है कि यहाँ के लोगों में ये एक बेदारी फैलेगी, उसके बारे में आगाही होगी, जिससे कि वो इस वबा से दूर रह सकेंगे और आने वाले अपने जो बच्चों का मुस्तकबिल है उसको बचाने में बड़ी मदद होगी। तो मैं तमाम जो पुलिस की इंतज़ामिया है स्कूल की जानब से, अपने पंचायत की जानब से, हर एक फर्द की जानब से उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा बेदारी कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके एक बड़ी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाई। उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया, अलग अलग मकर्रीन ने जो है इस पर रोशनी डाली कि इसके क्या बुरे असरात हैं नशे के और इसको हमने कैसे रोकना है, कहाँ से आ रहा है, इसको क्या करना है, इसके बारे में बड़ी 3-4 घंटे की जो है ये एक बहस हुई और लोगों को बताया गया कि इसके क्या क्या नुकसान हैं और इससे कैसे बचना है। साथ ही ग्रामीणों ने समाज से नशा खत्म करने का आह्वान किया। आज जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो ड्रग्स का प्रोग्राम यहाँ रखा गया हाई स्कूल करमाड़ा में, तो बहुत ही अच्छा रहा। और इसके पहले भी 3-4 प्रोग्राम जो हमारे सिखलाई यूनिट ने यहाँ किया और हमारे सिविल सोसाइटी वाले लोगों ने भी किया मिलके, जो ये मैंने कई बार कह चुका हूँ इसके पहले भी कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने पहले कहीं इधर छोरसों को बेचते थे, बम फंड ब्लास्ट करते थे, फिर यहाँ मिलिटेंट बेचते थे, लोगों को मारते थे। अब जो उसने तरीकाकार शुरू किया है, ये बड़ा एक उसने सही समझ कर किया है कि ये चिट्टे के हिसाब से या दूसरे ड्रग्स के हिसाब से लोगों को इन्वॉल्व करो। तो उसमें पहले तो गोली से तो 2 या 4 आदमी मरते, इसमें एक ही महीने में एक ही दिन में 150 आदमी मर सकता है। तो हम इससे खबरदार हो चुके हैं, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनका शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे ये अवेयरनेस लाया, इधर लोगों को समझाया है। गौरतलब है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से न केवल लोग नशा मुक्ति अभियान को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्वयं को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बना सकेंगे।